तो अभी यहाँ पे तस्वीर पावर हो गए अभी भी हमारे यहाँ पे सीनियर से हम गुजारिश करते हैं कि वहाँ आगे जाकर हमारे डीसी साहब को कर रिवायती कदम से उनका इस्तेमाल करें। पुरकशिश मंजर के बीच डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जनाब बशीर उल्हक चौधरी साहब हमारे बीच तशरीफ पावर हैं। नेशनल वोटर्स डे 2020 के मुनासिबत से हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। कभी से तशरीफ लाए हुए तमाम के लिए आए और नेशनल इलेक्शन स्टार्ट करें। कौन थोड़ा पिछले रंग में बोले सर इनाम हासिल करें। सीमेंट लोटे साहब करें और वहाँ से इधर दो सर वहाँ से इधर दो हस्ती है कि जिनकी बनाई हुई सिंगी नंगल की स्टेच्यू अगर आप लोग ले जाते हैं तो ले तो हासिल करें। उसके बाद मैं दावत देना चाहूंगा पशु कांग्रेस साहब को हमारा हासिल करें। आप चारों लोगों का हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बनाए और समाज हम भारत के शहरी मुल्क की जमहूरी निजाम में एतमाद रखते हुए ये हक करते हैं कि मुल्क की जमहूरी रवायात और अदबाना व मुनसफाना इंतखाबात की वकार को बरकरार रखते हुए और मर्दा को मेहनत के दबाव से बारातर होकर हर इंतखाब में हिस्सा लेंगे।
Bebezi karibe mobile thon niche rakhna देखो इस टाइम ये है कि हमारी सबसे खुशकिस्मती की बात ये है कि ये द्रास जो है एक ऐसा इलाका है जो दुनिया की दूसरी सर्दतरीन जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं तो इस जगह को एक्सप्लोर हमें करना था टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे स्नोफॉल यहाँ पे थी यहाँ का जो टेम्परेचर था तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें कि हम नेशनल वोटर डे को जो है वो हाईलाइट कर सकें दूसरा यहाँ पे इस जगह एक चैलेंजिंग जगह है कि आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे -30 to 35 degrees टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पे पूरी टीम जो है वो करगिल से लानी बच्चों को करगिल से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना उसके बाद जितना भी स्टाफ है हमारा उसको ट्रांसपोर्ट करना और हमारी टीम जो है खासकर जो हमारे शबीर हेडक्वार्टर साहब है जो बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अनवर जो है जो मैन उनका सिपा सलाहर है जो काम कर रहा है बहुत अच्छे से ग्राउंड पे तो इन लोगों ने जो ये मेहनत की तो हमने इस चीज को जो है वो सराहा और इस तरीके से हमने द्रास को हाईलाइट किया कि नेशनल वोटर्स डे जो है वो हम द्रास में ही इसीलिए मनाएंगे क्योंकि इतनी चैलेंजिंग जगह पे कोई बड़ा फंक्शन इतने बड़े लेवल पे करना जिसमें कम से कम भी 2-3, 4,000 या 5,000 पार्टिसिपेंट्स हों और पर्टिकुलरली स्टूडेंट जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे उन्होंने इतनी मेहनत से अपनी परफॉर्मेंस को पेश किया तो ये सारी चीजें थी कि हम किसी भी टेम्परेचर पे अपनी जमहूरियत को जो है वो तकवीत पहुंचाएंगे चाहे द्रास हो चाहे करगिल हो चाहे संस्कार हो जितना मर्जी टेम्परेचर हो हम जमहूरियत को जो है वो और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाते जाएंगे और ये सब हमारे लोगों की हमारी टीम की इन सब की कोशिशों की वजह से लोगों की तरफ से हमारे नौजवानों की तरफ से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशकूर है शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरी जो सबसे बड़ा इवेंट है जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है तो इसको द्रास जैसे दुनिया का सर्वतरीन इलाके में करने का डिप्टी कमिश्नर बसीरनाथ चौधरी की इंटरेस्ट की वजह से द्रास जी सर एक्चुअली इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स तो यह हैं कि लोगों को पता चले कि वोटर वोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है
और वोटर्स अपने वोट्स की अहमियत जान सकें। और ये जो हमने स्कल्पचर यहाँ पे बनाए हैं आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं, ये भी एक मेन अट्रैक्शन है ताकि लोग यहाँ पे इन स्कल्पचर्स के थ्रू वोट की अहमियत भी जान सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे वोटर्स डे का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे ड्रैगन बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे एक द्रास का भी, जो हम द्रास पे कर रहे हैं, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, तो द्रास का भी हमने कंसेप्ट लेके यहाँ पे जो ब्राउन बेयर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने ब्राउन बेयर भी बनाया हुआ है। तो हमने अशोक चक्र भी बनाया है ताकि इंडिया की डेमोक्रेसी को हम यहाँ पे अच्छी तरह बयां कर सकें। तो बाकी तो आपने सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ पे हम बस इतना चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा जागरूक हों, कि अपने वोट की इम्पोर्टेंस को ज़्यादा जान सकें और वो अपने वोट को अपने ही पावर में रहकर वो इस्तेमाल कर सकें। 25 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाई बसीरुल हक चौधरी साहब, जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है, उनके आदेश पर हम जो है कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके द्रास में इस साल मनाने जा रहे हैं। तो ये जो नेशनल डे है उस पे हमने जो एक मेन चीज़ रखा है लोगों को, उसमें स्नो स्कल्पचर्स रखा है, ताकि बर्फ़ की वादी में आप ये नेशनल डे मना रहे हो तो यहाँ पे हम चाहते हैं जो बर्फ़ जो यहाँ की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्यों ना हम उसको यहाँ की पोटेंशियल बनाएं, क्यों ना हम उसको कन्वर्ट करके सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएं, क्यों ना हम सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इसको बनाएं। तो यही उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये जो हमारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट जिन्होंने इस बर्फ़ को तराश तराश के मुख्तलिफ जो है यहाँ पे आपने ब्राउन बियर बनाया है, याक बनाया है, ड्रैगन बनाया है, और भी चीज़ें बनाए, हमारा चक्रा बनाया है जो हमारा नेशनल ये साइन है, इन चीज़ों को मकसद है कि इसका अवेयरनेस देना यहाँ के बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, कि आप इस बर्फ़ को पॉजिटिव यूज़ करा के आने वाले दिनों में जो हमारी यूटी लद्दाख की सरकार जो है विंटर टूरिज्म को जो प्रमोट करा रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। टीम का नाम है कंग सिंह टीम, हम काफ़ी सालों से आईएसएफ स्नो पर काम कर रहे हैं। तो हम कुछ चाइना में आइस और स्नो के काफी बहुत ज्यादा आइस कप्चर हुआ है, और स्वीडन में आइस होटल पे हमने आके भी गए थे। मैं लद्दाख में पैदा होने की वजह से यहाँ पे इतना बर्फ और आइस देखने में मेरे मन में भी इंटरेस्ट था, ख्वाहिश थी कि आइस और इस पर काम किया जाए। तो हम पिछले साल से कोशिश कर रहे थे और इस साल हम द्रास में पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग ले से काम करते हैं, वहाँ पे इतना बर्फ है नहीं है, आइस कार्विंग करना इतना फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। द्रास आके हमें इतना अच्छा लगा कि इतना भरपूर यहाँ पे बर्फ है। हम तो सोच रहे थे कि यही एक ब्लॉक से बन पाएगा, मगर यहाँ पे इतना बर्फ है कि हम लोग इतना ज्यादा बना पाए। मैं शबीर साहब और अनवर साहब का बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो जो चीज़ सही थे हमें सब कुछ दिया है। यहाँ पे टूरिस्ट को विंटर टूरिज्म प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब हमारा ऐसे नॉर्मल ऐसे ही हमने किया था कि हमें ऐसे प्लानिंग करके नहीं आया था कि इतना खराब हो पाएगा, बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हार्बिन में किया हुआ है, स्वीडन में किया हुआ है, वैसे भी पोटेंशियल है, टीम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कारगिल जनाब बसीरुल हक चौधरी के डायरेक्शंस पे हम ये वोटर्स डे एज एक स्नो फेस्ट की तरह मना रहे हैं। पिछले साल लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे उसमें भारी बहुमत से हमारे लोगों ने वोट दिया था, बहुत अच्छी परसेंटेज रही थी, वोटर टर्नआउट हमारा बहुत अच्छा रहा था, और ये सब का विषय हमारे इलेक्शन सेल और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ज़ेर निगरानी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ था। डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर जनाब मोहम्मद शबीर साहब के ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस प्रोग्राम को एक रियलिटी बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। और बेसिक आइडिया ये है कि द्रास जैसा इलाका जहाँ पे स्नो फेस्ट या हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, ममनी होता है आपका, बहुत सारे और ट्रेडिशनल फेस्टिवल होता है, तो हम यहाँ पे एक और फेस्टिवल इंट्रोड्यूस इसके माध्यम से हो सकता है हमारा, कि स्नो फेस्टिवल के कसम से, और विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्नो स्कल्पटिंग। आपने लकड़ी को तराशते हुए लोगों को देखा होगा, उसमें अपने हुनर को आजमाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन पहली बार है कि कारगिल में और ख़ास तौर से द्रास में
یہ سنو کو اور برف کو تراش کر کچھ ایسی چیز بنائی جائے جو قابل دید ہو, اور ایسی چیزوں کے لیے ہم نے لہ سے اسپیشل ٹیم کو انوائٹ کیا تھا, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس ان کو ایکسیپٹ ہمارے انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے وہ یہاں پہ آئے, اور بہت خوبصورت انہوں نے یہاں پہ اپنے آرٹ پیسز یہاں پہ بنائے ہیں. آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو ڈریگن کے کارو کر کے ملے گا, آپ کو یہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ سنو یہ سنو بیئر یا ہمارے یہاں جس کو پاپولرلی براؤن بیئر کہا جاتا ہے وہ, یا الیکشن سمبل, اور بہت سارے ایسے آرٹ پیسز ملیں گے جو کہیں نہ کہیں آئیدر الیکشن سے ریلیٹڈ ہوگا یا پھر یہاں کے لوکل آرکیٹیکچر یا لوکل لوکیلٹی کو اظہار کرتا ہوگا, ریپرزنٹیشن ہوگا ہمارے لوکل چیزوں کا. ہماری ڈیموکریسی کا ایک بہت ہی اہم دن ہے, اتنا گورنمنٹ ایک سٹیزن کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی اہمیت اجاگر کرتی ہے, کیونکہ جب ایک ووٹر پوری طرح پریپئر ہو کر اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس سے ایک اچھے نمائندگی کی منتخبی عمل میں آتی ہے, جو اپنے علاقے کی, ڈسٹرکٹ کی, ریاست کی, اپنے قوم کی خدمت کر سکتا ہے. تو اسی مناسبت سے 25 جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نے دراز میں منایا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کافی بہت خوشی کی بات ہے. ووٹر ڈے تو ہر سال منایا جاتا تھا, لیکن اس سال ڈی سی صاحب نے دراز میں منا کر اتنی شدید ترین سردی ہونے کے باوجود, -30 ڈگری ٹمپریچر ہونے کے باوجود یہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم ڈی سی صاحب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, بلاک ایڈمنسٹریشن کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.